यू वॉन्ट बिलीव, मैंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन हो गया था उसमें। ठीक है, माना कि जर्मनी में एजुकेशन एकदम फ्री है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, शुरू कैसे होगा ये प्रोसेस, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, हमें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोसीजर हाउ टू शॉर्ट लिस्ट योर यूनिवर्सिटीज इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। सो दिस वीडियो इज मोस्ट रिक्वेस्टेड इन कमेंट्स दैट प्लीज़ मैम हमें बताइए कि क्या प्रोसीजर है, कैसे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, अंत तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ अबाउट सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटीज। बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसेस, हमें उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो पता होनी चाहिए, जैसे कि पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर द इंस्टीट्यूशंस दैट आर फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर द वन दैट मेनली रिलाई ऑन स्टूडेंट ट्यूशन फी। सो इन टोटल इट मींस दैट पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर फ्री, दे डोंट चार्ज ट्यूशन फी, एंड द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ फी। तो इसी में दूसरी कैटेगरी होती है अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और यू कैन सिंपली से यूनिवर्सिटीज। अप्लाइड Sciences universities, those are actually industry based, and technical or universities, those are research based. So next we talk about intakes. There are two intakes. One is summer intake, second is winter intake. So summer intake starts from April or March and winter intake starts from October. And application deadline for each intake is 6 months prior to the start of the intake. पहले मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोसेस के बारे में और फिर मैं आपको लेके चलूंगी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको एक्चुअल में एक यूनिवर्सिटी और एक कोर्स चूज करके बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कीजिए, आप अपना बैकग्राउंड चेक कीजिए कि आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड और आपका फ्यूचर जो कोर्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हों और आप जो कोर्स चूज कर रहे हो वो थोड़े बहुत रिलेटेड होने चाहिए। तो पहले सोचिए, समझिए कि आपको करना क्या है, आपको किस फील्ड में आगे जाना है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी डिग्री लेना चाहते हैं। तो वो सब आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको MBA करनी है, आपको केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, या आपको फिजिक्स में मास्टर डिग्री करनी है, या PhD करनी है, तो आपको अपना बैकग्राउंड भी चेक करना होगा कि आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हों, आपको उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आपके जो चांसेस हैं एडमिशन के वो बढ़ जाएंगे। ऐसा मत करना कि आप एकदम से ही किसी एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जंप मार रहे हो, वहाँ आपके चांसेस घट जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के। बिकॉज एडमिशन कमेटी जो होती है यूनिवर्सिटीज़ की, वो ये चेक करती है कि आप में काबिलियत है या नहीं है, कि आप यहाँ आके वो सब्जेक्ट्स मैनेज कर पाओगे या नहीं, आप पास हो पाओगे या नहीं। जरूरी नहीं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी है, उसमें आपका कोर्स हो। सो आई बेटर सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपना कोर्स डिसाइड कीजिए, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड कीजिए। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट द कोर्स यू चूज शुड इंटरेस्ट यू। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी कोर्स ले लिया, आपका इंटरेस्ट है नहीं, बस आपको मिल रहा है इसलिए आपने ले लिया, यू वॉन्ट बी इंजॉइंग योर कोर्स, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो इट्स बेटर कि जो भी कोर्स आप चूज करें वो आपको पसंद होना चाहिए। तो अब बिना देरी करते हुए चलिए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। सो सबसे पहले हम जाएंगे DART की वेबसाइट पे, DAAD.DE, और यहाँ पे हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे सो दैट वी बेटर अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके इंटरनेशनल प्रोग्राम आइकन है, उसे क्लिक करके हमारे पास ये पेज आ जाता है और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना कोर्स चूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर साइंस, लेट्स से मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो यहाँ पे 1638 रिजल्ट्स आ गए इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मास्टर ऑफ साइंस से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं। हम जाएंगे यहाँ पे कोर्स टाइप में अगर आप मास्टर डिग्री सर्च करना चाह रहे हो तो मास्टर डिग्री के सबसे ज़्यादा कोर्सेज हैं, एज यू कैन सी 1473। सो आफ्टर सेलेक्टिंग कोर्स टाइप यू हैव टू सेलेक्ट योर फील्ड, कि आप किस फील्ड से हो।
फॉर इंस्टेंस मैथमेटिक्स नेचुरल साइंस से सेलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्लिक करते हैं मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स चूज करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है कि कोर्स लैंग्वेज क्या होनी चाहिए. कोर्स लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है जर्मन ओनली, इंग्लिश ओनली और जर्मन प्लस इंग्लिश. तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश ओनली. और यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास फिल्टर आउट हो गए हैं मास्टर डिग्री एक्चुअरियल एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स RPTU यूनिवर्सिटी जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है. तो कोर्स लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है मोड ऑफ स्टडी, जिसमें ऑप्शंस हैं फुल्ली ऑनलाइन, फुल्ली ऑफलाइन, 50% ऑनलाइन, 50% ऑफलाइन एंड ऑल दिस थिंग्स. सो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे फुल्ली ऑफलाइन. सो हेयर ड्यूरेशन में हम चेंज कर देंगे इसे टू 2 years. And you can also select the city if you want to, but for now let's not focus on city. Let's focus on the type of institution. यहाँ पे university जो technical universities हैं, applied universities में सिर्फ एक ही है. तो यहाँ पे हम यही क्लिक कर लेते हैं. इंस्टीट्यूशन में भी आपको choices मिल जाती है कि आप यहाँ पे भी अपनी university choose कर सकते हो. जैसे बहुत सारी universities हैं और उनके bracket में लिखा हुआ है कि कितने courses provided हैं इसमें. जैसे TUM में 3 courses हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, बट हेयर वी आर नॉट सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी. सो नेक्स्ट आता है कोर्स टाइप स्पेसिफिकेशन, जिसमें कि हमारे पास ट्यूशन फी आती है और सेमेस्टर कब से शुरू हो रहा है वो सब आता है. तो ट्यूशन फी में हमारे पास ऑप्शन है नो फी का, जिसमें 52 यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं और अप टू 500 यूरोज इसमें 52 यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं एंड देन इट गोज हायर एंड हायर टू 10,000. सो दीज आर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दैट आर ऑफरिंग. So for now we will choose public university with no fee. So we click this. So currently it's September time, so already winter semester ke intakes end ho chuke hain. So we will select summer semester here. So as you can see summer semester mein sabse kam intakes hote hain, winter semester mein zyada intakes hote hain. So we choose that. So uske baad hamare paas ye maximum filter hai jo hum apply kar sakte hain aur isme hamare paas 37 results hain. Ye sari universities jo hain mathematics se related courses provide kar rahi, jaise applied data sciences hai, बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स, क्लीन एनर्जी प्रोसेसेस, डेटा साइंस, अगेन डेटा साइंस, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड डेटा एनालिसिस. सो आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ को गो थ्रू कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद RPTU यूनिवर्सिटी ऑफ काइज़रस्लाउटर्न. इस पर क्लिक करते हैं. इस पेज में हमारे पास ओवरव्यू में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि डिग्री क्या है, MSc है. इसमें जो कोर्स ऑफ स्टडी होगा वो होगा इंग्लिश और इसमें लैंग्वेज प्रोग्राम इज कम्प्लीटली इन इंग्लिश. सो नेक्स्ट कम्स द प्रोग्राम ड्यूरेशन. इसमें पूरा बताया जाएगा कि आपके 4 semesters का ये कोर्स है. ये कोर्स विंटर और समर सेमेस्टर दोनों में अवेलेबल है. इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है विंटर सेमेस्टर, क्योंकि अक्टूबर में स्टार्ट होता है. तो 6 months प्रायर इसका हुआ 30th April. सो फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी द डेडलाइन फॉर विंटर सेमेस्टर इनटेक इज 30th April. सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव समर सेमेस्टर डेडलाइंस टिल अक्टूबर. दे माइट ऑल्सो हैव द डेडलाइंस फॉर जून जुलाई. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. सो द ट्यूशन फी विच इज द मोस्ट कंसर्निंग टॉपिक विच इज नन हेयर. So there is no tuition fee. That's a good news. So after overview, we see the course details option. So course detail में भी आपके पास ये सारी information available है जो आप पढ़ सकते हो. And then there comes the cost and funding. The tuition fee is zero. So semester contribution is really important. Although we do not have any tuition fee in this particular course, but here for enrollment, every semester you have to pay 260 euros. So every semester, so per year it is like 520 euros, so which is really less. So this semester contribution includes free transport in the area around Kaiserslautern up to 100 kilometers. So there is a range that to up to which you can travel free of cost, and there are many university facilities that you will be able to receive from that enrollment fee. Now in the assessment fee they charge 60 euro सिंगल पेमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फॉरेन सर्टिफिकेट्स. फॉर एग्जांपल आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, वो खुद वेरीफाई करेगी, वो APS सर्टिफिकेट पे डिपेंड नहीं करेगी. तो ये 60 euro और 65, 70 इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी. सो ये वो आपसे चार्ज करेंगी आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन. सो फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी दे ऑल्सो रिकमेंड 800 euro सिंगल पेमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें आपको जर्मनी आने पे सारी सुविधाएं मिलेंगी. आपको गाइड किया जाएगा कि आपको बैंक अकाउंट कैसे ओपन कराना है, आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी हेल्प होगी उसमें. प्लस वो आपको जर्मन लैंग्वेज भी सिखाएंगे. सो ये थोड़ा सा इंटेंसिव कोर्स होता है जर्मन लैंग्वेज का. 1.5 month में वो आपका जर्मन कोर्स जो है वो कंप्लीट करा देंगे फॉर एनी स्पेसिफिक लेवल. सो दिस इज ऑप्शनल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पेमेंट. दिस इज नॉट मैंडेटरी. सो द ओनली फीस फॉर दिस प्रोग्राम विल बी एनरोलमेंट फी विच इज 260 euro,
per semester and assessment fee, which is one time payment, 60 euro. So now in every course, they will tell you what is the cost of living. So it clearly says that the accommodation will be around 350 euro. Health insurance will be around 110 euro. So food ke liye unhone 300 euro ka estimate laga rakha hai. So this cost of living is just to give an idea. So in total, you will have approximately 800 euros expense monthly. So currently we know ki hume apne account mein 11,208 euros शो करने होंगे ब्लॉक्ड अकाउंट में. सो ये कॉस्ट उसमें आराम से बियर हो सकती है क्योंकि हम मंथली अपने ब्लॉक्ड अकाउंट से 934 यूरोस रिसीव करेंगे. दिस ऑप्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इट सेज द फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी विच इज नॉट अवेलेबल, बट इफ इट इज अवेलेबल देन इट इज रियली गुड फॉर यू. द यूनिवर्सिटी विल बी एबल टू स्पॉन्सर यू फॉर योर स्टडीज, सो कीप दैट इन माइंड. नाउ कम्स द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, तो वो इस सेक्शन में आ जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एकेडमिक रिक्वायरमेंट. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको बीएससी डिग्री चाहिए होगी मैथमेटिक्स में, वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो स्टडी प्रोग्राम काइजर स्लोटन में चल रहा है. इट सिंपली मींस दैट यू मस्ट हैव स्टडीड दोस प्रोग्राम्स इन योर बैचलर्स डिग्री विच एवर यूनिवर्सिटी यू हैड योर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम. सो नाउ द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इसका आंसर इस सेक्शन में होता है रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन. जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप पहले डार्ट की वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लो. जैसे कि यहाँ पे मेंशनड है प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो इसमें फॉर एग्जांपल टोफल भी आप दे सकते हो और उसमें कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है वो भी मेंशनड है. सो एप्लीकेशन की डेडलाइन जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, यहाँ पे भी मेंशनड है विंटर सेमेस्टर की 30th अप्रैल है, समर सेमेस्टर की 31st अक्टूबर है. सो नाउ आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू दीज पर्टिकुलर सेक्शंस, देयर कम्स द सेक्शन वेयर इट सेज दैट सबमिट योर एप्लीकेशन टू, बट इसमें अभी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जो कि हमें चाहिए, जैसे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करनी होगी. तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हो और साथ में उन्होंने एक लिंक दिया है. इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी. यूजुअली सारी यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट यहाँ डाल देते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसमें गो थ्रू करें, सो दैट दे हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. सो वी क्लिक ऑन दिस एंड देयर कम्स द आरपीटीयू वेबसाइट जिसमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मेंशनड है और कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स हैं. इसमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मेंशनड है और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स डिटेल्ड में मेंशनड है. फॉर एग्जांपल इसमें बोला गया है कि आपको अच्छी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज हमने कोर्स ही इंग्लिश में चूज किया है, सो वी शुड हैव गुड इंग्लिश नॉलेज. सो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इज जर्मन नेसेसरी, इज इट कंपल्सरी और नॉट. सो हेयर इज द आंसर. Prior knowledge in German is not necessarily required, but international students have to pass a German language test within the first year. So, आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जर्मन लैंग्वेज लेके आओ, यहाँ आने के बाद आप अपना जर्मन का A1, A2 जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो आप फुलफिल कर सकते हो. सो एक तरीके से ये एक प्री रिक्विजिट है जो आपको जर्मनी आके कोर्स स्टार्ट करने के बाद फुलफिल करनी होगी. सो आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं, वो हर कोर्स के लिए वेरी करेंगी, ऑल्सो हर यूनिवर्सिटी के लिए भी वेरी करेंगी, बिकॉज दिस इज द पेज फॉर आरपीटीयू यूनिवर्सिटी, बट दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में अलग पेज होगा. सो वो सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रखी होगी. सो नाउ वी गो टू द एप्लीकेशन सेक्शन, जहां पे मेंशनड है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो कि है अंडर डॉक्यूमेंट्स और लिंक्स. तो यहां पे हम देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और लिंक्स में एक एप्लीकेशन फॉर्म है. ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और फिल करना है. ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, उनका एप्लीकेशन फॉर्म अलग हो सकता है, बट दिस इज यूजुअली व्हाट इट इज. सो दे विल आस्क यू अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड अदर थिंग्स. सो दिस इज ऑल. इन द लास्ट दे हैव आल्सो मेंशन दैट दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड हैव विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ वेबसाइट पे भी मेंशनड है. तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और ये सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी. तो यहाँ हम वापस अपनी वेबसाइट पे आ गए जहाँ पे डिटेल में चीज़ें मेंशनड है. यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, जैसे आपका CV, आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, IELTS और समथिंग. जैसे यहाँ पे मेंशनड है कि Band 6 एटलीस्ट होना चाहिए. ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी अराइज होता है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है. तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट्स देने होंगे जिसमें यूनिवर्सिटी डिग्रीज इंक्लूड होती हैं. और नेक्स्ट है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट. आप जो भी डिग्रीज सबमिट कर रहे हो उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स आपको साथ में ऐड करनी होंगी. यू हैव टू सबमिट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स दैट यू हैड एट योर यूनिवर्सिटी, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मैच कर रहा है या नहीं जो कोर्स आपने चूज किया. ऑल्सो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर आपने एक्चुअरियल साइंस के लिए अपना फॉर्म सबमिट किया है लेकिन यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि आप मैथमेटिक्स इंटरनेशनल या कुछ और इसमें स्पेसिफिकेशन है उसके लिए काबिल हो, देन दे विल सेंड यू एन एडमिशन लेटर फॉर दैट. दे विल आस्क दैट वेदर यू एक्सेप्टेड और नॉट. इफ यू थिंक
ऑफर्ड कोर्स आपके करियर के साथ अलाइंड है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो. सो दिस इज अ रियली गुड थिंग दैट यूनिवर्सिटीज डू. दे गो थ्रू योर प्रोफाइल एंड देन दे डिसाइड दैट विच कोर्स शुड बी ऑफर्ड टू यू. द कोर्स दे विल ऑफर विल नॉट बी कम्प्लीटली डिफरेंट, दिस विल बी क्वाइट रिलेटेड टू वट यू हैव चोजन. सो उसके बाद हमें एटलीस्ट टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने होंगे. एक आप अकेडमिक से दे सकते हो, दूसरा आप अपनी एम्प्लॉयमेंट से दे सकते हो. अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं रही है तो आप दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अकेडमिक से दे सकते हो. देन यू हैव टू राइट लेटर ऑफ मोटिवेशन विच इज रियली इंपॉर्टेंट. इस लेटर ऑफ मोटिवेशन से ही वो समझेंगे कि आपका फ्यूचर में क्या गोल है, आपकी पढ़ाई कैसी रही है, आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट में क्या सीखा है. वो सारी डिटेल्स आपको इसमें लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखनी होंगी कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या मोटिव है आपका इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कोर्स में अप्लाई करने का. सो आफ्टर दिस दे हैव आल्सो मेंशनड कि सिर्फ चाइनीज, वियतनामीज और मंगोलियन स्टूडेंट्स के लिए एपीएस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर एडमिशन. ऑल्सो यहाँ पे मेंशनड है इफ यू डू नॉट रिसीव योर सर्टिफिकेशन बिफोर डेडलाइन प्लीज कॉन्टेक्ट अस. तो यूनिवर्सिटी जो है वो हर तरीके से आपकी हेल्प करना चाहेगी कि अगर आप अपनी सर्टिफिकेशन टाइम पे नहीं पूरी कर पाते हैं तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. वो आपकी प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने में बहुत हेल्प करेंगे बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू कम टू द यूनिवर्सिटी अटेंड द क्लासेस, क्योंकि उन्हें भी सीट फिल करनी होती है. अगर उनका एक इनटेक का टारगेट होता है वो अगर नहीं फुलफिल होता है देन दे हैव टू रीप्लान एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल एपीएस के लिए भी आप अपनी यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उन्हें बोल सकते हो कि आई एम नॉट गेटिंग दिस ऑन टाइम सो प्लीज एक्सपीडाइट द प्रोसेस एंड प्लीज हेल्प मी आउट सो दैट आई कैन ज्वाइन द कोर्स टाइमली. सो आप ये भी कर सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज गुड दैट द यूनिवर्सिटी हैज मेंशनड स्पेसिफिकली दैट यू कैन कॉन्टैक्ट देम. Again, the application deadline is mentioned and they have also mentioned that international students can get scholarship but the scholarship deadlines will be prior to the application deadline. So you have to be really careful about this. So after this, they have mentioned the application fee which was already available here that they are charging you 60 euro for assessment fee. So they have mentioned that 60 euro will be charged and after submitting your application, they will send you some details, registration number, and then you have to process that money. And after which you will get your response from the university whether you got the admission or not. So is tarike se aap deadline ke hisab se aap apni profile plan kar sakte hain, apply kar sakte hain. Also one more thing, when you go back to the DART website, yahan pe ek option aata hai save karne ka, aap isse save kar sakte ho so that you know that which university you shortlisted. And yahan pe PDF ka bhi option aata hai, aap is sari information ek single PDF mein download kar sakte ho. So this is what the document looks like. इसमें सारी डिटेल्स हैं, आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर सकते हो. तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को इन सब जगह कॉन्टैक्ट कर सकते हो. यहाँ पे मेल एड्रेस भी मेंशनड होता है, आप बेझिझक इस मेल आईडी पे या इस टेलीफोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दे विल गेट बैक टू यू सर्टेनली. सो दिस इज हाउ यू शॉर्टलिस्ट अ सिंगल यूनिवर्सिटी. तो हम होम पेज पे जाके वापस से सारी यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन भी जो है वो अप्लाइड डेटा साइंस का कोर्स प्रोवाइड कर रही है मास्टर डिग्री में. आप ये सब भी चेकआउट कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो. सो कोर्स एंड फंडिंग पे यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है स्पेसिफिकली कि विद इन द यूनिवर्सिटी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर फंडिंग. जर्मनी स्कॉलरशिप ये जो है डॉयचलैंड स्टाइपेंडियम ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो. इसके साथ इन्होंने एक और स्कॉलरशिप मेंशन की है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो. सो दिस इज रियली हेल्पफुल दैट दे प्रोवाइड द फंडिंग ऑप्शंस एज वेल, कि आप इस तरीके से अपना फंड जो है वो प्लान कर सकते. जरूरी नहीं कि आपको 11,208 यूरो खुद से बियर करना पड़े. सो दिस इज रियली गुड. सो हेयर जर्मन लैंग्वेज इज कंपल्सरी. ऑल्सो उन्होंने इंग्लिश का B2 लेवल तक मांगा है इसमें. सो अगेन आप इस यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, वॉचलिस्ट में डाल सकते हो. तो जब आप बैक जाते हो तो यहाँ पे आपको टू वॉचलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, आप ये क्लिक करो, आपकी शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अलाइन हो जाएंगी. आप जब चाहे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन के बारे में, आप स्टडी कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए. आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो थ्रू डार्ट वेबसाइट और इस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. सो द टिप है I want to give you is कि आप अपनी एडमिशन प्रोसेस में एजेंट्स को पैसा मत दीजिए. ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. Once you take the first step, you will be able to understand the next step and it will be really smooth. Trust me. और दूसरी टिप मैं देना चाहूंगी रिगार्डिंग कि how many universities do we need to select, कितना पैसा फूंकना चाहिए. सो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि यूनिवर्सिटी वो चूज करो, कोर्स वो चूज करो जो आपकी फील्ड से एकदम अलाइंड हो, क्योंकि तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे. यू वॉन्ट बिलीव, मैंने सिर्फ
एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन हो गया था उसमें। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से अच्छा है वाइजली 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपको सही लगे, आपको लगता है कि हाँ वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कीजिए। 20-25 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आई होप इससे कुछ तो हेल्प हुई होगी आपकी, आप अभी अपनी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो उन सभी लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।